हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा. सो वेलकम बैक विद द सेशन. एंड इन दिस सेशन में हम लोग बजट को समझेंगे. एंड बजट प्रेजेंट हुआ है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट प्रेजेंट किया. तो जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे बजट को लेकर वो पर डिस्कस करेंगे. बट बिफोर वी स्टार्ट द बजट सेशन, थोड़े से अपन बजट को लेकर चीजें समझ लेते हैं कि इस बजट में जो बजट प्रेजेंट किया गया By the finance minister Nirmala Sitharaman, इसमें कुछ यूनिक चीज थी कि नहीं थी. सो फर्स्ट पॉइंट के बजट जो प्रेजेंट किया गया इस बार इन द पार्लियामेंट, तो हमारे निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो सिक्स्थ फाइनेंस मिनिस्टर बन चुकी हैं जिन्होंने 5 times इन अ रो बजट को प्रेजेंट किया है. वहीं बात की जाए तो ये बजट फर्स्ट बजट है इन अमृत काल में, क्योंकि हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए 75 years कंप्लीट हो चुके हैं. एंड अब जो हम लोग जिस काल में आ रहे हैं वो है अमृत काल. तो अमृत काल का ये पहला बजट है. एंड बजट स्पीच स्टार्ट करने से पहले निर्मला सीतारमण ने एक स्टेटमेंट दिया. उन्होंने बोला कि वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज किया है इंडिया की इकोनॉमी को, कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो राइट ट्रैक पर है एंड ब्राइट एज अ स्टार. वहीं उन्होंने एक स्टेटमेंट फिर बोला कि इंडिया करंट ईयर में जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7% रही. अगर हम कंपेयर करें मेजर इकोनॉमी से तो मेजर इकोनॉमीज कंट्रीज में सबसे हाईएस्ट अगर जीडीपी ग्रोथ रही है तो वो इंडिया में रही है, दैट इज 7%. सो बिफोर वी जंप टू द बजट, पहले हम अमृत काल को समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट जो अमृत काल कर रही है, ये अमृत काल है क्या. तो अमृत काल के 3 विजन है. पहला विजन है कि सिटीजन्स को अपॉर्चुनिटी देना, और स्पेसिफिकली हम फोकस करेंगे यूथ के ऊपर, ठीक है. तो सिटीजंस के लिए अपॉर्चुनिटी खोल देना स्पेसिफिकली फॉर दी यूथ. सेकंड जो है कि हमें जॉब क्रिएशन को लेकर ग्रोथ करनी है, ग्रोथ एंड दी जॉब क्रिएशन, ये हमारा सेकंड विजन होगा. थर्ड विजन जो होने वाला है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट हो वो बहुत स्ट्रांग और स्टेबल बना रहे. गॉट इट. अब हम आगे बढ़ते हैं. सो देखा जाए तो इस बार का जो बजट है ना वो बेसिकली 7 priorities पे था, या हम बोल सकते हैं सप्तऋषि. तो बहुत समझने में आसानी होगी बजट को अगर ये सप्तऋषि अगर आप इजीली समझोगे. तो 7 सप्तऋषिज हैं, याद रखना 7 priorities हैं. द फर्स्ट वन इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सेकंड वन इज रीचिंग द लास्ट माइल, थर्ड वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, फोर्थ वन अनलीजिंग द पोटेंशियल, देन ग्रीन ग्रोथ, फाइनेंशियल सेक्टर एंड यूथ पावर. तो ये अमृत काल के ये सप्तऋषिज हैं, ये 7 priorities हैं. एंड इन 7 priorities के बेस्ड पर बजट को प्रेजेंट किया गया. लेट्स सी. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना इंक्लूसिव डेवलपमेंट को लेकर. हमारा पहला जो सप्तऋषि होगा वो होगा इंक्लूसिव डेवलपमेंट को लेकर. एंड उसको जो बोला गया दैट इज सबका साथ सबका विकास, ठीक है. एंड उसमें सबसे पहले सेक्टर्स आने वाला है, दैट इज एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स. तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि हम लोग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने वाले हैं. क्योंकि जब भी हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं ना तो एग्रीकल्चर को लेकर क्या आता है, या हम रूरल की बात करते हैं रूरल को लेकर क्या आता है हमारे दिमाग में, एग्रीकल्चर, उनकी कोल्ड स्टोरेज, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है हमें उसको स्टोर करके रखना है. देन एग्रीकल्चर या रूरल अलाइड एक्टिविटीज या एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज लाइक एनिमल हस्बेंड्री, उसको लेकर हमें फोकस करना है. देन रूरल में स्टार्टअप्स को बूस्टअप को लेकर. तो ये 4 चीजें याद रखना. अगर ये 4 points याद रखोगे रूरल इकोनॉमी को लेकर तो आपको बजट समझ में आ जाएगा. फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चर, सेकंड वन इज फार्मर्स की प्रॉब्लम क्या है, उनके प्रॉब्लम को लेकर हमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. देन एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज जो होती है लाइक एनिमल हस्बेंड्री, देन कोल्ड स्टोरेज वाला, ठीक है. अब हम समझते हैं. तो पहला जो पॉइंट बोला गया रूरल इकोनॉमी को लेकर, एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स को लेकर, कि हम लोग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेंगे जिससे फार्मर्स को सोल्यूशन मिलेगा, फार्मर्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन दिया जाएगा. एंड उस इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से फार्मर्स जो सोल्यूशन है वो इजिली एक्सेस कर सकते हैं. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट बताया गया कि वी विल सेटअप द एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड जिससे रूरल एरियाज में स्टार्टअप्स को बूस्टअप मिले, रूरल एरियाज में स्टार्टअप जो है वो इनकरेज हो और बूस्टअप हो.
क्योंकि हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो लोग टेक पे बात करते हैं, टेक स्टार्टअप्स बात करते हैं, अर्बन एरियाज पे स्टार्टअप्स बात करते हैं, लेकिन रूरल एरियाज में स्टार्टअप्स को उनके इंकरेजमेंट को लेकर काम करने की जरूरत है। तो दूसरा पॉइंट जो बजट में दिया गया, दैट इज वी विल सेटअप द एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, जिससे स्टार्टअप्स को हेल्प की जाएगी कि वो रूरल एरियाज में स्टार्टअप्स को इनकरेज करें। नेक्स्ट वन, दैट इज हॉर्टिकल्चर को लेकर। तो देखो, हॉर्टिकल्चर जो है इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जहां पर हम साइंस, आर्ट एंड कल्चर लगाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लें कि साइंस के थ्रू, साइंस एंड टेक के थ्रू हम कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा कि कहीं कहीं ऐसे लोग होते हैं कि एक एकड़ जमीन पर 3, 4 या 5, 6 एग्रीकल्चर क्रॉप्स लगा देते हैं। कुछ अंडरग्राउंड होती हैं, कुछ ग्राउंड पर रहती हैं, फिर थर्ड क्रॉप जो होती है थोड़ी, जिनका जिनकी क्रॉप की लेंथ जो है बढ़ जाती है, जैसे कि शुगर केन हो गया। सो दैट इज व्हाट एग्रीकल्चर, सो हॉर्टिकल्चर। तो उसी के अकॉर्डिंग बोला गया कि आत्मनिर्भर भारत के अकॉर्डिंग हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम को भी लॉन्च किया जाएगा, जिससे हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के प्रोडक्शन में बूस्ट आएगा। नेक्स्ट वन, सो 20 लाख करोड़ की एग्रीकल्चर क्रेडिट दिया जा रहा है, गवर्नमेंट के थ्रू क्रेडिट दिया जाएगा अराउंड 20 लाख करोड़ का, जिससे एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी सेक्टर्स को हम लोग टारगेट कर सकते हैं। कि अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई फार्मर है, बिजनेस करना चाहता है डेयरी फार्मिंग में, या फिर आपका एनिमल हस्बेंड्री में, या फिशरी सेक्टर्स में, तो उसके लिए 20 लाख करोड़ रुपीज का क्रेडिट जो है गवर्नमेंट ने अलॉट कर दिया है। नेक्स्ट वन, इट्स अबाउट वॉट, अगर हम बात करें तो जो हमारा 2023 ईयर होने वाला है, दैट इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, एंड इसी के प्रमोशन को लेकर, क्योंकि इंडिया ने ही बोला था फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को 2018 में कि 2023 ईयर शुड बी द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, एंड वही चीज बताई गई कि इस बजट में बताया ये गया है कि हम इंडिया को चाहते हैं कि वो मिलेट्स का ग्लोबल हब बने। मिलेट्स का एग्जाम्पल लें तो ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, सो दीज आर दी मिलेट्स। तो और अभी प्रेजेंट में बात करें तो मिलेट्स को लेकर अगर हम बात करते हैं ना, तो देखा जाए तो ऑलरेडी इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिलेट्स। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अगर मिलेट्स का कहीं होता है तो इंडिया में होता है, एंड इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिलेट्स। तो इंडिया चाहता है कि वो मिलेट्स को लेकर इंडिया जो है ग्लोबल हब बने, जिसके लिए जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद में है उसको सपोर्ट दिया जाएगा, जिससे उनके रिसर्च को प्रमोशन मिल सके। नेक्स्ट वन, अगेन एक और पॉइंट बताया था कि होता क्या है, फार्मर्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि उनका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है उनके स्टोरेज को लेकर, इसीलिए बताया यही गया कि विल एनहेंस द फार्मर्स रेम्यूनरेशन बाय इनेबलिंग सेल एट अप्रोप्रिएट टाइम्स। तो पहला तो यही टारगेट होगा कि फार्मर्स का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो बहुत कम टाइम में बिक जाए, जिससे उनकी इनकम पे फर्क ना पड़े, उनके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू डिक्रीज ना हो, और अगर ऐसा नहीं होता है या फिर कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं तो कोल्ड स्टोरेज मतलब वेयर हाउसेस को सेटअप किया जाएगा। देन यहां पर फिर ग्राफ दिया गया है एंड दैट शोज कि गवर्नमेंट ने, अगर हम कंपेयर करें फिस्कल ईयर 2015, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21, 22 को, तो देखा जाए गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर्स में क्रेडिट जो है देती जा रही है। जहां हम देखें फिस्कल ईयर 2015 में 85 लाख करोड़ रुपीस का क्रेडिट अलॉट किया था, एंड फिस्कल ईयर 2022 में अराउंड 186 लाख करोड़ रुपीस का क्रेडिट गवर्नमेंट जो है दे चुकी है टू दी एग्रीकल्चर सेक्टर को। वहीं अगर हम इस डेटा को देखें तो हमारा जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी है वो भी इंक्रीज हो रहा है। फिस्कल ईयर 2015 में जहां हम लोग 250 मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन को प्रोड्यूस कर रहे थे, प्रोडक्शन हो रहा था, वहीं अगर हम फिस्कल ईयर 2022 की बात करें दैट समथिंग अराउंड 320 मिलियन टन ऑफ एग्रीकल्चर या फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है बढ़ गया। नेक्स्ट वन, सो अभी हमने डिस्कस किया एग्रीकल्चर को लेकर, कोऑपरेटिव्स को लेकर, अब हम डिस्कस करेंगे हेल्थ को लेकर। हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ को लेकर गवर्नमेंट का बहुत फोकस रहा इस बार। गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोग अराउंड 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस जो है एस्टैब्लिश करेंगे। दूसरी बात,
स्किल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन भी लॉन्च किया जाएगा। तो अपन समझ लेते हैं कि ये स्किल सेल एनीमिया होता क्या है। तो स्किल सेल एनीमिया इज अ बेसिकली अ रेड सेल डिसऑर्डर जिसके चलते आपका जो ब्लड फ्लो है बॉडी के अंदर रुक जाता है एंड बॉडी में बहुत ज्यादा पेन क्रिएट होता है एंड इट्स अ वेरी रेयर डिसीज। लेकिन फाइनली गवर्नमेंट को समझ में आया कि हमें इन रेयर डिसीज के एलिमिनेशन को लेकर भी मिशन लॉन्च करना पड़ेगा। गॉट इट? सो रेड ब्लड सेल जो होते हैं बेसिकली क्या हो जाता है, रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर है जिसके चलते द फ्लो ऑफ ब्लड इन द बॉडी वो रुक जाता है, उसमें बैरियर्स आ जाते हैं जिससे हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन क्रिएट होता है एंड इसीलिए गवर्नमेंट ने स्किल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन को भी लॉन्च किया। देन अगर हम बात करें हेल्थ सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट नए नए प्रोग्राम्स लॉन्च करेगी जिससे फार्मास्यूटिकल्स के रिसर्च को प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि हम बात करते हैं तो इंडिया वैसे ही हब है जेनेरिक मेडिसिन का, लेकिन हम लोग जेनेरिक मेडिसिन के हब हैं लेकिन हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल रिसर्च को लेकर बहुत कम काम होता है। तो उसको लेकर भी गवर्नमेंट जो है नए प्रोग्राम्स लॉन्च करेगा जिससे फार्मास्यूटिकल्स रिसर्च को प्रमोशन मिले। एंड द लास्ट वन इज अबाउट कि हम लोग पब्लिक एंड प्राइवेट ज्वाइंटली मेडिकल रिसर्च को भी इनकरेज करेंगे जिससे पब्लिक एंटिटीज एंड प्राइवेट एंटिटीज साथ में आकर मेडिकल रिसर्च करें एंड वो इनकरेजमेंट होगा वाया ICMR, ICMR लैब्स के द्वारा। ICMR का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये हेल्थ को लेकर गवर्नमेंट ने बजट में ये चीज बोली। वही बात बताई गई कि अगर हम बात करते हैं फिस्कल ईयर 2019 की तो हेल्थ सेक्टर में या हेल्थ सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था इन दी जीडीपी दैट इज समथिंग अराउंड 4.1.4%। अब जो कंट्रीब्यूशन है हेल्थ सेक्टर का इन दी जीडीपी दैट इज समवॉट अराउंड 2.1%। वहीं अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन का जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में दैट इज 2.8%, अब 2.9% है। तो मतलब एक्सपेंडिचर जो है धीरे धीरे हम इन सेक्टर्स में बढ़ाते जा रहे हैं, जहां पर एक्सपेंडिचर हेल्थ पर कितना था 1.4% ऑफ जीडीपी था फिस्कल ईयर 2019 में, वहीं अब एक्सपेंडिचर जो है हेल्थ में 2.1% हो गया। एजुकेशन पर जो एक्सपेंडिचर था वो 2.8% था ऑफ द जीडीपी लेकिन अब 2.9% हो गया। एग्रीकल्चर की बात हुई, कोऑपरेटिव्स की बात हुई, हेल्थ की बात हुई। अब हम मूव करते हैं एजुकेशन एंड स्किलिंग को लेकर। एजुकेशन को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है टीचर्स की ट्रेनिंग। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम टीचर्स की ट्रेनिंग को रिवैम्प करेंगे एंड उनको जो ट्रेनिंग दी जाएगी दैट ट्रेनिंग विल बी गिवन बाय द डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसके द्वारा टीचर्स को हम ट्रेन करेंगे। सेकेंड जो है वो आती है स्टूडेंट्स को लेकर, क्योंकि उनको बुक्स एंड डिजिटल लाइब्रेरीज नहीं मिलती। सो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि एजुकेशन सेक्टर में हम लोग नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को सेटअप करेंगे फॉर द चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स के लिए। एंड उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो लाइब्रेरीज हमें अर्बन एरियाज में मिल जाती हैं लेकिन रूरल एरियाज में नहीं मिलती। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि फिजिकल लाइब्रेरीज को सेटअप किया जाएगा इन द पंचायत एंड वार्ड लेवल पर। ये भी बताई गई फिजिकल लाइब्रेरीज सेटअप की जाएंगी पंचायत और वार्ड लेवल पर भी। नेक्स्ट वन, नाउ दिस इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट अभी जो हमने पढ़ा इंक्लूसिव ग्रोथ में, दैट इज समथिंग के इंक्लूसिव डेवलपमेंट में वो हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट क्या क्या करने वाली है इन दिस फिस्कल ईयर 2023-2024 में। अब ये जो चार्ट है ये बेसिकली बता रहा है कि क्या हो चुका है इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर। तो पहले अगर हम बात करें तो पीएम किसान स्कीम के चलते, पीएम किसान सम्मान निधि के चलते अराउंड 11.4 करोड़ फार्मर्स को 2.2 लाख करोड़ का कैश ट्रांसफर हुआ है। सो अंडर द पीएम किसान स्कीम हर फार्म हाउसहोल्ड में 6,000 रुपीज एनुअली दिया जाएगा ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, 3 इंस्टॉलमेंट बेस पे दिया जाएगा 2,000, 2,000, 2,000। तो ये हम लोग कर चुके हैं, ये सक्सेसफुल रहा। तो पीएम किसान स्कीम सक्सेसफुल रही, अराउंड 11.4 करोड़ फार्मर्स को कैश बेनिफिट हुआ है। नेक्स्ट वन बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती थी रूरल हाउसहोल्ड में दैट इज अबाउट द ड्रिंकिंग वाटर को लेकर। तो गवर्नमेंट ने ये बताया कि हमने अभी तक अराउंड 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन जो है रूरल हाउसेस में लगवा दिए हैं। नेक्स्ट वन, बाय द स्वच्छ भारत अभियान, अंडर द स्वच्छ भारत अभियान अराउंड 11.7 करोड़ हाउसहोल्ड टॉयलेट्स को भी कंस्ट्रक्ट किया गया। देन उज्ज्वला स्कीम के चलते अराउंड 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस दिए गए। वहीं बात की जाए तो कोविड 19 में
220 करोड़ कोविड वैक्सीन जो है वो लगाई गई टू दी 102 करोड़ पर्सन को। फिर इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इंश्योरेंस भी हुआ है, सो अराउंड इंश्योरेंस कवर, इंश्योरेंस गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस को कवर किया, कितने लोगों को कवर किया, अराउंड 44.6 करोड़ पीपल को कवर किया है अंडर दी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंदर। वही बात करते हैं तो अराउंड 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक अकाउंट्स भी खुले हैं। सो ये बता रहे हैं कि हमने इंक्लूसिव डेवलपमेंट को लेकर गवर्नमेंट ने ये काम किए। पहला पीएम किसान को लेकर, फार्मर्स को लेकर बताया कि हमने कैश बेनिफिट दिया है, कैश ट्रांसफर किया उनको। सेकंड हमने देखा कि रूरल हाउस होल्ड में हमने ड्रिंकिंग वाटर टैप्स लगाए, कनेक्टिविटी दी है। थर्ड हमने पढ़ा कि हमने अंडर दी स्वच्छ भारत मिशन के अंडर व्हाट हैपेंड, 11.7 करोड़ हाउस होल्ड में टॉयलेट्स को कंस्ट्रक्ट किया। उज्ज्वला स्कीम के अंडर अराउंड 1.6 एलपीजी कनेक्शंस दिए। वैक्सीनेशन को बता रहा है कि 220 करोड़ वैक्सीनेशन जो है लगाए गए हैं 102 करोड़ पीपल को। देन ये बता रहे हैं कि अराउंड 47.8 करोड़ बैंक अकाउंट्स खोले हैं, पीएम प्रधानमंत्री जनधन बैंक अकाउंट खोले गए। एंड इंश्योरेंस भी 44.6 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस के अंदर कवर किया गया अंडर द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंदर। नेक्स्ट वन, सो अब ये जो डेटा है, ये डेटा बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट डेटा तो ये रहा, क्योंकि जब COVID-19 आया था तो COVID-19 में बहुत सारे लेऑफ्स हुए एंड हमने ये देखा कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट ना बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। बट गवर्नमेंट डेटा प्रेजेंट किया तो अभी सितंबर 2022 में व्हाट अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 4 ईयर के लो पर है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत हद तक रिड्यूस हुआ है। नेक्स्ट वन, नाउ नेक्स्ट सप्तऋषि, दैट इज रीचिंग द लास्ट माइल, उसको लेकर भी। तो रीचिंग द लास्ट माइल का मतलब क्या है, होता क्या है कि जब भी हम बात करते हैं बजट की या किसी के बजट में एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो हमारा जो फोकस रहता है वो किस पर रहता है, फार्मर्स पर, रूरल पर, अर्बन एरियाज पर, कोऑपरेटिव्स पर। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे नेशन में बहुत ज्यादा ट्राइबल लोग्स हैं, हमारे नेशन में बहुत ज्यादा एंशियंट डिस्क्रिप्शंस हैं, उनको लेकर गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो गवर्नमेंट ने इस बार इन पर भी फोकस किया एंड रीचिंग द लास्ट माइल पर यही चीज बताई गई कि अंडर द प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वर्ल्ड लेवल ट्राइबल ग्रुप डेवलपमेंट मिशन जो है वो लॉन्च किया जाएगा। एक नया मिशन लॉन्च होने वाला है फॉर द पर्टिकुलरली वर्ल्ड लेवल ट्राइबल ग्रुप को लेकर, और उस मिशन का नाम क्या होगा, पीएम पर्टिकुलरली वर्ल्ड लेवल ट्राइबल ग्रुप डेवलपमेंट मिशन। नेक्स्ट चीज के कर्नाटका के बहुत सारा जो रीजन है वो ड्रॉट प्रॉन रीजन है, मतलब वहां बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है, तो वहां पर हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे जिससे सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन जो है वो लगाया जाए, वहां पर वाटर सप्लाई किया जाए लेकिन सस्टेनेबली। नेक्स्ट वन, तो बेसिकली हुआ क्या था कि फॉर दी ट्राइबल्स के लिए, ट्राइबल्स की एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने स्कूल्स खोले थे, हम स्कूल्स को बोलते हैं एकलव्य मॉडल स्कूल, एंड वही चीज बताई जा रही है कि अराउंड 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स में और टीचर्स को भी रिक्रूट किया जाएगा, मोर टीचर्स विल बी रिक्रूटेड इन दी 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स। नेक्स्ट वन, भारत श्री, अब हम भारत श्री की बात करें, सो भारत श्री बेसिकली अगर हम बात करें तो इंडिया में ना बहुत ज्यादा एंशियंट इंस्क्रिप्शंस हैं, और भारत श्री, श्री का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इट्स बेसिकली शेयर्ड रेस्पिरेटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन, ठीक है, तो ये याद रखना। तो भारत श्री पोर्टल बनाया जाएगा जहां पर हम लोग एंशियंट इंस्क्रिप्शन को डिजिटलाइज करेंगे, ठीक है, तो श्री का फुल फॉर्म याद रखिएगा, दैट इज शेयर्ड रेस्पिरेटरी फॉर या ऑफ इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट वन, अब हम देखते हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट को लेकर हम लोग क्या करने वाले हैं, है ना, तो यहाँ पर बहुत लोगों का फोकस रहता है कि भाई क्या इंफ्रा को लेकर गवर्नमेंट ने काम किया, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर की बात आती है सो हम लोग से हमारा फोकस जो रहता है कि भाई क्या दिख रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और इन्वेस्टमेंट है वही ऐसी चीजें दिखती हैं। अगर मैं बोलूं कि जैसे कि भारत श्री था तो भारत श्री यूज नहीं करेंगे, कुछ लोग होंगे अकेडमिशियंस होंगे जो कि एंशियंट इंस्क्रिप्शन में या स्टूडेंट्स होंगे वो यूज करते हैं, लेकिन आम जनता ज्यादा यूज नहीं करती, आम जनता को ज्यादा फर्क पड़ता है किससे, इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा, सबसे पहले तो ये बताया गया
बहुत सारे इंसेंटिव लाए जा रहे हैं जिससे इन्वेस्टमेंट जो हो बूस्ट हो, स्पेसिफिकली इन दी इंफ्रास्ट्रक्चर में, एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी इंक्रीज किया जा रहा है। जिससे क्या होगा, अगर हम लोग ये करेंगे, अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होने वाला है, हमारा जो ग्रोथ है वो राइज होगा और हमारा एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा, तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली ये बताया जा रहा है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो व्हाट विल हैपन, ग्रोथ इंक्रीज होगी एंड एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है देखते हैं। सबसे पहला कि गवर्नमेंट ने अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट को 33.47% से इंक्रीज कर दिया। तो गवर्नमेंट जो है वो अराउंड 10 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगी। ठीक है, पहले अराउंड 7 लाख करोड़ था और उसमें 33.4% का इंक्रीमेंट किया तो वो 10 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इट मींस कि गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्वायर करेगी, फिजिकल एसेट्स को एक्वायर करेगी जिससे लॉन्गर रन में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और रेवेन्यू भी जनरेट होगा। ये होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जैसे कि आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, आप जमीन खरीदते हो, घर खरीदते हो, दैट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आगे चलकर उसकी ऑटोमेटिकली वैल्यू बढ़ेगी। गॉट इट? तो गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट में अराउंड 10 लाख करोड़ रुपीज का खर्चा करेंगे। नेक्स्ट वन, एक चीज और बोली है कि हम लोग स्टेट गवर्नमेंट्स को 50 ईयर्स फ्री लोन देंगे। व्हाट? अराउंड 50 ईयर्स इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, जिससे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज करें। अपनी स्टेट गवर्नमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो बिल्कुल कर सकती है और उसको लोन भी मिल जाएगा, एंड दैट लोन विल बी इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर दी अराउंड 50 ईयर्स के लिए। 50 साल तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा अगर स्टेट गवर्नमेंट लोन लेती है तो, लेकिन अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है तो। नेक्स्ट वन, अभी जो कैपिटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है गवर्नमेंट, उसमें से 2.4 लाख करोड़ का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा वो रेलवे में होने वाला है। तो हाइएस्ट सबसे ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होगा वो रेलवे में होगा, अराउंड 2.4 लाख करोड़ का। फिर आगे बताया गया कि ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, अराउंड 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स में, प्रोजेक्ट्स में हम लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे पोर्ट्स, कोल्स, स्टील एंड फर्टिलाइजर सेक्टर्स में कनेक्टिविटी हो सके। ओके, नेक्स्ट वन, टीयर टू एंड टीयर थ्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी गवर्नमेंट जो है एक यूआईडीएफ को स्टैब्लिश करेगी, दैट इज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो एक फंड बनाया जाएगा, दैट इज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, एंड उस फंड के चलते टीयर टू एंड टीयर थ्री सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्रिएट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट वन, अब जो हमारा नेक्स्ट सप्तऋषि होने वाला है, दैट इज अनलीजिंग द पोटेंशियल। तो ये जो है, ये बेसिकली ये सप्तऋषि है, ये बता रहा है कि हमारे पास पोटेंशियल है बट हम उसको यूज नहीं कर रहे। जैसे कि आज हमने आज ही पढ़ा था कि जब हम बात करते हैं तो इंडिया जो है, अराउंड इंडिया ने 15% ऑफ द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को ही यूटिलाइज किया है। 85% ऑफ द पोटेंशियल जो है हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का, हमने उसको टच भी नहीं किया, उसके पोटेंशियल को हमने अनलीज भी नहीं किया। तो ऐसी क्या चीजें हैं जिसको हम यूज नहीं कर पा रहे, एंड उसके यूजेस को लेकर गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए। पहला तो दिस विल टॉक्स अबाउट कि क्या क्या हम लोग गवर्नमेंट मेजर्स लेगी, क्या क्या मेजर्स होंगे एंड क्या क्या एक्सपेक्टेड आउटकम्स होने वाले हैं। तो पहला जो मेजर होगा वो यही होगा कि हम लोग चाहते हैं कि इंडिया जो है वो एआई को लेकर हब बने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हब बने, एंड इसके लिए बजट में ये दिया गया कि अराउंड 3 स्पेशलाइज्ड एआई सेंटर्स खोले जाएंगे इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। व्हाट? 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर्स को खोला जाएगा इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, जिससे हम लोग एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड सस्टेनेबल सिटीज में एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सोल्यूशन दे सकें। नेक्स्ट जो हमारा मेजर होने वाला है, दैट इज अबाउट नेशनल डेटा गवर्नेंस को लेकर, वो पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस की जाएगी, नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जाएगी, एंड इसका क्या आउटकम होने वाला है, इसका बेसिकली यही है कि जो डेटा क्रिएट होगा, जो डेटा जनरेट होगा, डेटा एक जगह इकट्ठा होगा, उस डेटा से जो स्टार्टअप्स हैं एंड अकेडमिक्स हैं उनको बहुत ज्यादा हेल्प आउट होगा। नेक्स्ट वन, एक और मेजर लिया जा रहा है, दैट इज विवाद से विश्वास वन। इसमें क्या किया जाएगा कि
इसमें बेसिकली माइक्रो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, बहुत स्ट्रिंजेंट होते हैं, तो इनके कॉन्ट्रैक्ट को लेस स्ट्रिंजेंट बनाया जाएगा, बहुत लेस स्ट्रिंजेंट बनाया जाएगा, जिससे होगा क्या, आउटकम क्या आएगा, क्योंकि COVID-19 में सबसे बड़ा अगर सेक्टर जिस पे इम्पैक्ट पड़ा वो एमएसएमई था, तो यही चीज बताया गया, एमएसएमई जो अफेक्ट हुए थे कोविड पीरियड में उनको रिलीफ मिलेगी। नेक्स्ट जो मेजर लिया जाएगा दैट इज अगेन विवाद से विश्वास टू, दैट इज व्हाट, कि जो हम लोग क्या करेंगे, जो सेटलमेंट स्कीम्स हैं उसको और ज्यादा इजी एंड स्टैंडर्डाइज बनाएंगे, ठीक है, सेटलमेंट स्कीम्स होती हैं उसको हम बहुत ज्यादा इजियर एंड स्टैंडर्डाइज बनाएंगे, जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स की जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स हैं, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट के डिस्प्यूट्स नहीं होते, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स जो होती हैं उनके डिस्प्यूट्स नहीं होते, उनके डिस्प्यूट्स होते हैं तो वो इजिली एंड फास्टर सेटल्ड हो, ठीक है, जितने भी उनके कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स हैं वो इजिली सेटल्ड हो। नेक्स्ट जो मेजर लिया जाएगा वो ई कोर्ट्स को लेकर लिया जाएगा, कि ई कोर्ट्स का Phase 3 भी लॉन्च होगा, जिसके चलते हमारा जो जस्टिस है उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, तो जस्टिस भी हमें इजीली मिलेगी, ठीक है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस होगा ये ई कोर्ट्स के मेजर से, ई कोर्ट्स के Phase 3 अगर लॉन्च होता है तो। नेक्स्ट वन डीजी लॉकर की बात करते हैं, तो भाई डीजी लॉकर तो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, डीजी लॉकर किस लिए होता है, कि जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और आधार कार्ड या पैन कार्ड आप डिजिटली अपने पास रख सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रख सकते हो, बट अब जो है डीजी लॉकर जो है उसको थोड़ा सा और ब्रॉड बनाएंगे, एंड डीजी लॉकर को यूज बिजनेस एंटरप्राइज भी कर सकती है और चैरिटेबल ट्रस्ट भी कर सकती है, जिससे होगा क्या, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन सिक्योर रहेंगे, स्टोर भी होंगे एंड इजीली आप बिजनेस इकोसिस्टम में शेयर भी कर सकते हो। गॉट इट। नेक्स्ट वन क्या मेजर्स होंगे, सो 5G सर्विसेज को लेकर 100 लैब सेटअप की जा रही है, जिससे होगा क्या, अगेन अगर हम 5G को लेकर लैब सेटअप करेंगे तो आउटकम क्या निकलेगा, एम्प्लॉयमेंट, और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज होंगे। फिर देखते हैं, यस, तो जब हम बात करते हैं ना, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा डायमंड वॉच पहनते हैं, तो रियल डायमंड नहीं होता वो, बेसिकली आर्टिफिशियली बनाया जाता है डायमंड, सो लैब में बनाया जाता है, उन डायमंड्स को बोलते हैं लैब ग्रोन डायमंड्स, है ना, तो इंडिया में लैब ग्रोन डायमंड्स की बहुत डिमांड है, और लैब ग्रोन डायमंड जो है इंडिया में डोमेस्टिक प्रोडक्शन उसका बहुत कम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, बहुत इम्पोर्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला क्यों ना हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट करें टू दी लैब ग्रोन डायमंड सेक्टर को, जिससे हमारा जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस हो सके एंड हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो इनकरेज हो सके, ये चीज बोलेगी, तो दीज आर दी मेजर्स। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है, नेक्स्ट सप्तऋषि होने वाला है, दैट इज ग्रीन ग्रोथ को लेकर, क्योंकि अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हमारे दिमाग में आ रही है या पूरे वर्ल्ड में यही प्रॉब्लम है अबाउट क्लाइमेट चेंज को लेकर एंड आपके आपके क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर, तो सबसे पहले बताया गया कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम होगा, है ना, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम होगा, जिससे जो कि नोटिफाई किया जाएगा अंडर दी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, जिसे सस्टेनेबल एक्शन को इंसेंटिवाइज करेंगे हम लोग, ये चीज होने वाली है, तो पहली चीज क्या होगी, क्रेडिट ग्रीन प्रोग्राम्स जिसको नोटिफाई करेंगे हम लोग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, जिससे हम सस्टेनेबल एक्शंस को इंसेंटिवाइज करेंगे। दूसरा जो होने वाला है दैट इज पीएम प्रणाम, तो पीएम प्रणाम स्कीम है उसको लॉन्च करेंगे, एंड अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें तो क्या है, प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलरेशन ऑफ मदर अर्थ, ठीक है, बाकी परेशान होने की जरूरत नहीं है, फुल फॉर्म थोड़ा डिफिकल्ट अगर लग रहा हो तो यहां लिखा हुआ है, रीड हियर, प्रणाम है क्या, प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलरेशन ऑफ मदर अर्थ, ऑब्वियसली बात है ग्रीन, किसी ना किसी हमारे हमारे सस्टेनेबल एनवायरमेंट को लेकर बात चल रही होगी, तो उसमें यही चीज बोला गया कि अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी फार्मर्स ना बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं और वो फर्टिलाइजर से सॉइल की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, तो पीएम प्रणम लॉन्च किया जाएगा, जिससे स्टेट एंड यूटीज को बोला जाएगा कि भैया आप ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर के यूसेस को क्या करो, प्रमोट करो, क्या, क्योंकि
क्योंकि अभी जो एग्जिस्टिंग हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, फार्मर्स यूज करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, उससे प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती है और दूसरा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी हार्मफुल हो जाते हैं। तो पीएम प्रणव के जरूर पीएम पीएम प्रणव प्रणाम के थ्रू हम लोग ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स को यूज करेंगे। नेक्स्ट वन, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट। तो ये जो है ये बेसिकली है क्या, क्योंकि हम जब बात करते हैं ना तो कोई चीज वेस्ट हो जाती है तो हम लोग उसको डंप कर देते हैं, लेकिन दैट वेस्ट कैन बी क्रिएटेड एज एन एसेट, वो एसेट की तरह भी काम कर सकता है, एसेट भी क्रिएट हो सकता है। और उसी के लिए गोवर्धन स्कीम को स्टैब्लिश किया जा रहा है। अभी गोवर्धन स्कीम है क्या, गोवर्धन स्कीम का मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है फुल फॉर्म आप यहां पढ़ सकते हो, दैट इज ग्लोबलाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। ठीक है, व्हाट इज गोबर, दैट इज ग्लोबलाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। एंड ये स्कीम लॉन्च होगी जिससे हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट कर सकते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी को हम प्रमोट करेंगे। अभी सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, अगर मैंने कोई चीज यूज करी और वो यूज आने के बाद खत्म हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, लेकिन मैं फिर से उसको रिसाइकिल करूंगा और वापस से ये हमारी इकोनॉमी में आ गया, सर्कुलर इकोनॉमी भी बूस्ट अप होगी अंडर दी गोवर्धन स्कीम। नेक्स्ट वन, तो हम लोग सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलपमेंट को लेकर भी काम कर रहे हैं। That is, misty to be taken up for the mangrove plantation along the coastline. So what happened? हमारे नेशन में ना बहुत ज्यादा हमारे नेशन इंडिया की बात करते हैं तो मैनग्रोव फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है और मैनग्रोव फॉरेस्ट देखा जाए वहां डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो हमें मैनग्रोव प्लांटेशन करनी है। और ये जो है आपका मिस्ती का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। इसके अकॉर्डिंग, इस मिस्ती के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, हम लोग मैनग्रोव प्लांटेशन करेंगे अलोंग दी कोस्ट लाइन, जिससे एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंट जो है वो क्रिएट होगा। और अदर इनिशिएटिव्स भी हैं ग्रीन इकोसिस्टम में, जैसे कि पहला अराउंड 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स खोले जाएंगे जिससे फार्मर्स को फैसिलिटेट होगा, जिससे वो नेचुरल फार्मिंग को अडॉप्ट कर सके, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग को वो अडॉप्ट कर सके। नेक्स्ट वन, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को प्रमोट भी किया जाएगा। फिर कोस्टल शिपिंग फॉर एनर्जी एफिशिएंसी ट्रांसपोर्टेशन को भी प्रमोट करेंगे। एंड लास्ट वन इज कि जो ओल्ड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स हैं उनको हम रिप्लेस करेंगे, और लेकिन रिप्लेसमेंट के लिए हमें फंड की जरूरत है तो फंड भी अलॉट किया जाएगा, फंड्स टू बी एलोकेटेड फॉर द रिप्लेसिंग द ओल्ड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स। मूविंग टूवर्ड्स दी नेक्स्ट वन, दैट इज अबाउट यूथ पावर। तो ये हमारा नेक्स्ट सप्तऋषि है, ये पढ़ते हैं कि भाई यूथ पावर को लेकर गवर्नमेंट क्या कर रही है ना, यूथ के लिए क्या कर रही है। तो ऑब्वियसली बात है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 भी लॉन्च हो गया एंड इसमें नए नए कोर्सेज को एड ऑन किया जाएगा, लाइक कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड 3D प्रिंटिंग। तो ये चीज होने वाली है ना, स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी काम कर रहे हैं। दूसरा, टूरिज्म सेक्टर्स को बूस्टअप करेंगे, जिससे होगा क्या, अराउंड एटलीस्ट 30 डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करेंगे थ्रू आपका चैलेंज मोड एंड उनको डेवलप्ड किया जाएगा और कंप्लीट पैकेज दिया जाएगा फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरिन टूरिस्ट के लिए। ठीक है, जिससे टूरिज्म भी हमारा क्या होगा, बूस्ट होगा। दूसरा, थर्ड दैट इज स्टेट्स विल बी इंकरेज टू सेटअप यूनिटी मॉल्स। अब ये यूनिटी मॉल्स को सेटअप किया जाएगा ऑन द लाइन ऑफ वॉट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP, One District, One Product। इसका मतलब कि इस डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोडक्ट बहुत फेमस है, जैसे कि बनारस में बनारसी साड़ी, बीकानेर में बीकानेर की भुजिया, और जिससे GI, Geographical Indication और Artificial Products भी क्या होंगे, इनहेंस होंगे, उनको भी प्रमोशन मिलेगा। Got it? Next one, अब आते हम फाइनेंशियल सेक्टर पर, कि भाई फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या बातें की गई। पहला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, दैट इज महिला सम्मान बचत पत्र बनाया जाएगा, जो कि वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम होगा कि फॉर अराउंड 2 पीरियड के लिए वुमेन इस अकाउंट में या फिर इस डिपॉजिट फैसिलिटी में 2 लाख रुपए तक पैसा जमा करके रख सकती है। तो ये चीज होने वाला है फॉर दी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। गवर्नमेंट ये भी क्या है, महिला सम्मान बचत पत्र, इट बेसिकली अ वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम फॉर अराउंड 2 ईयर्स, 2 ईयर पीरियड, 2 ईयर पीरियड डिपॉजिट फैसिलिटी है, जहां पर वो 2 लाख रुपए तक का डिपॉजिट कर सकती हैं। नेक्स्ट वन,
सीनियर सिटीजन की बेनिफिट को लेकर बताया गया कि उनकी भी जो डिपॉजिट लिमिट है वो इंक्रीज कर दी, पहले 15 लाख थी अब 30 लाख कर चुके हैं, 15 लाख थी अब उनकी 30 लाख कर चुके हैं। नेक्स्ट वन, इट्स अबाउट दी के नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री को भी सेटअप किया जाएगा, जिससे हमारी जो लेंडिंग है, क्योंकि फाइनेंशियल अगर हम कोई भी कॉपरेटिव है या कोई फाइनेंशियल एंटिटी है उसको जरूरत पड़ती है कैपिटल की, पैसे की, और पैसा कहां से मिलता है, लेंडिंग से, कोई ना कोई देता है ना, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन देता है या बैंक देता है, तो जो लेंडिंग है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाए, एफिशिएंट हो जाए, एंड टू प्रमोट दी फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करेंगे एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, इनहेंस करेंगे। फिर सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर्स को भी सेटअप किया जाएगा, जिसके अंडर कंपनीज एक्ट के जितने भी काम है उन काम्स को इजीली हैंडल किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन इजी बने एंड फास्टर हो। नेक्स्ट वन, सो एमएसएमई सेक्टर्स के लिए भी हो रहा है, एमएसएमई सेक्टर्स के लिए क्या होगा, क्रेडिट गारंटी स्कीम दिया जाएगा, जिसके अंडर अराउंड एक और चीज जोड़ दी गई है कि एडिशनल आपका कोलेटरल फ्री 2 लाख करोड़ तक का क्रेडिट दिया जा सकता है फॉर द एमएसएमई सेक्टर्स को, व्हाट, अराउंड 2 लाख करोड़ तक का एडिशनल हो गया अभी। नेक्स्ट वन, अदर इनिशिएटिव्स क्या है, तो ऑब्वियसली बात है गिफ्ट सिटी जो बन रही है ना, गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सिटी गुजरात में, तो वहां पर इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे जिससे बिजनेस एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट वन, इट्स अबाउट व्हाट, कि गवर्नमेंट चाहती है कि फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़े, सिक्योरिटी मार्केट्स में लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो, और उसके लिए ट्रेन्ड प्रोफेशनल जो है उनको और ज्यादा क्रिएट किया जाएगा, विल क्रिएट मोर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स इन द सिक्योरिटी मार्केट्स, एंड गवर्नमेंट उनको एजुकेशनल सर्टिफिकेट देगी, एजुकेशनल सर्टिफिकेट अवार्ड देगी। नेक्स्ट वन, फिस्कल मैनेजमेंट को लेकर हम बात करें तो ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि भाई स्टेट को ना 50 इयर्स इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, ये डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट वन ये है कि फिस्कल मैनेजमेंट को लेकर गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भाई फिस्कल डेफिसिट, अब फिस्कल डेफिसिट समझो क्या होता है, तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये है कि एक दो वर्ड आते हैं, एक होता है एक्सपेंडिचर, एक वर्ड होता है रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू का मतलब क्या है कि पैसा जो आ रहा है, मेरी इनकम 100 रुपए है, दैट इज माई रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर का मतलब मैं कितना खर्च कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है और रेवेन्यू कम रहता है तो ये जो डिफरेंस बचा इसको हम बोलते हैं क्या, फिस्कल डेफिसिट। अगर उल्टा हो जाए, एक्सपेंडिचर कम हो रेवेन्यू ज्यादा हो, तो फिर हम उसको बोलते हैं फिस्कल सरप्लस। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया, जब हम बात करते हैं किसी नेशन की ग्रोथ की या किसी स्टेट की भी, तो फिस्कल डेफिसिट कुछ हद तक अच्छा माना जाता है ना, अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा बढ़ जाए तो वो गलत होता है। तो ये चीज बताया गया फिस्कल मैनेजमेंट में, ये चीज बोला गया कि अगर हम बोले तो स्टेट को अलाउड है कि वो 3.5% का फिस्कल डेफिसिट रख सकते हैं, सिर्फ 3.5% का। एंड वहीं अगर हम बात करें तो हमारा जो पूरे कंट्री का जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना होना चाहिए टारगेटेड, सिर्फ ओनली 4.5% से कम, इट शुड बी बिलो 4.5% बाय दी 2025-2026। ये फिस्कल डेफिसिट हमें रिड्यूस करना है, मतलब हमारे रेवेन्यू के या तो हम रेवेन्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा दें या एक्सपेंडिचर को कम कर दें, तो हमारा फिस्कल डेफिसिट वो क्या होना चाहिए, 4.5%। क्योंकि इसका नुकसान भी है, मान के चलो मेरी इनकम 100 रुपए है और मैं खर्चा कर रहा हूँ 2 रुपए, तो यार जो 102 रुपए, अब 2 रुपए जो मैं एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा हूँ वो पैसा मेरे पास आया कहाँ से, ऑब्वियसली बात, मैं कहीं ना कहीं से लोन लिया होगा, मैंने कहीं ना कहीं से बोरो किया होगा, तो तुम्हारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है, तो इसलिए फिस्कल डेफिसिट जो है 4 या 4.5% तक सही रहता है। और गवर्नमेंट का यही टारगेट है कि हम लोग 2025-2026 तक हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 4.5% तक आना चाहिए। गॉट इट, चलते हैं आगे। नाउ दिस इज अगेन डेटा है ना, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं, तो डेटा अगर आपको देखना है एक बार आप देख सकते हो। मेन इंपॉर्टेंट डेटा ये रहा कि भाई गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज कर रही है। तो पहले अगर हम बात करें फिस्कल ईयर 2016 में, मैंने पहले बताया था कि 2.5 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। फिस्कल ईयर 2023 में कितना था, 7.3 लाख करोड़ बताया था, और अब कितना हो रहा है, बजट एस्टीमेट कितना है, अराउंड 10 लाख करोड़ बढ़ गया था ना, 33.4% बढ़ा, तो ये 33.4% बढ़ा है। पहले 7.3 लाख करोड़ था कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर अब कितना होने वाला है, 10 लाख करोड़। गॉट इट। वहीं अगर हम एनपीए की बात करें, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें,
तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी डिक्रीज होते जा रहे हैं। पहले 8.2 थे मार्च 2020 में, मार्च 2021 में अराउंड 7.3, देन मार्च 2022 में 5.8, एंड अब सितंबर 2022 में, सितंबर तक का डेटा है अभी गवर्नमेंट के पास, तो उसमें कितना, सिर्फ 5% ही एनपीएस है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। मूविंग फर्दर, सो नो यू डोंट हैव टू रीड दिस वन। यस, अब इनडायरेक्ट टैक्सेशन को लेकर क्या किया जा रहा है देखते हैं। यस, सो कस्टम ड्यूटी को चेंज करेंगे, है ना, कहां कहां चेंज करने वाले हैं, ऑब्वियसली बात है। सो व्हाट विल हैपन, हम लोग कैपिटल गुड्स जो है उसको इंपोर्ट करेंगे, है ना, कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करेंगे, लेकिन फॉर व्हाट, फॉर दी लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, है ना। सो वी हैव टू इंक्रीज द इंपोर्ट ऑफ द व्हाट, कैपिटल गुड्स फॉर द लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, जिससे हमारी ग्रीन एयर मोबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो, क्योंकि हम लोग अब कहाँ जा रहे हैं, आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या लगती है, लिथियम आयन बैटरी, तो लिथियम आयन बैटरीज के लिए जो भी हमें गुड्स चाहिए वो हम इम्पोर्ट करेंगे, जिससे हमारी ग्रीन एयर मोबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो। दूसरा, हम लोग मोबाइल कैमरा लेंसेज को इम्पोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट ऑफ मोबाइल कैमरा लेंसेज, जिससे जो हमारी वैल्यू एडिशन है वो और ज्यादा डीपन हो। फिर हम लोग इथाइल एल्कोहल को डी नेचर्ड करेंगे, जिससे कैमिकल इंडस्ट्रीज में बूस्टअप आएगा। नेक्स्ट वन, हम लोग प्रोड्यूसिंग द श्रिम्प फीड्स भी, उसके लिए की इनपुट्स भी दिए गए हैं, जिससे होगा क्या, हमारे जो मैराइन एक्सपोर्ट्स है वो थोड़ा इंक्रीज हो। फिर अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली बात है, ये दोनों डिस्कस कर लिया था कि लैब ग्रोन डायमंड जो है ना, उसको लेकर भी है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो प्रमोट हो, तो ये कस्टम ड्यूटी में चेंजेस आए हैं, कहीं कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई, कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया गया। फिर आगे बोला गया कि कंटिन्यूइंग कंसेशनल बेसिस कस्टम ड्यूटी ऑन कॉपर स्क्रैप, तो कॉपर स्क्रैप पे जो कंसेशनल बेसिस कस्टम ड्यूटी लगती थी वो वैसी रहेगी, जिससे क्या होगा, ऑगमेंटिंग रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी फॉर एमएसएमई, ठीक है। एंड लास्ट वन इज कंपाउंडेड रबर टू ब्रिंग इट एट अ पार विथ नेचुरल रबर, तो कंपाउंडेड रबर को हम लोग नेचुरल रबर के पार में लाना चाहते हैं, जिससे हमारा जो ड्यूटी सर्कमवेंशन है वो क्या हो सके, रिड्यूस हो सके, उसको हम कम कर सकें, कर्व कर सकें। नेक्स्ट वन देखते हैं भाई, डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल का क्या है बेनिफिट। देखो इनडायरेक्ट टैक्स पता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है पहले समझ लो, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वैसा टैक्स जिस जो आपको आपको दिखता नहीं है कि आप टैक्स दे रहे हो। आपने कोई लेस का पैकेट खरीदा, आपने 10 रुपए का लेस का पैकेट खरीदा, लेकिन आपने उस पर टैक्स भी दिया, है ना, हो सकता है गवर्नमेंट उस पर 2 रुपए टैक्स दे रही हो, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, कोऑपरेटिव टैक्स हो गया, ठीक है। तो वैसे ही बताया गया कि डायरेक्ट टैक्स को लेकर क्या क्या चीजें हुई हैं। तो सबसे पहले कि अगर आपने जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न आता है, तो 45% ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो आपको 24 आवर के अंदर ही प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, तो पहले जो प्रोसेसिंग पीरियड था 8 ईयर्स बैक अराउंड 93 डेज था, और अब कितना है, 16 डेज। तो गवर्नमेंट अपने अचीवमेंट्स भी गिना रही है कि हमने 8 साल में ये चीजें करी हैं। फिर ये चीज बताया गया कि इस साल हमने अराउंड 6.5 करोड़ रिटर्न्स जो है प्रोसेस किए हैं, मोर देन 6.5 करोड़। फिर अगर बात की जाए तो ये थोड़ा सा इनकम टैक्स को लेकर बताया गया, तो पहले ये था, अब ये थोड़ा सा समझ रहे हैं, ये थोड़ा सा बिट कंफ्यूजिंग होगा लेकिन समझेंगे अपन इसको ढंग से, क्योंकि दो चीजें दी गई कि एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो 3 लाख तक, 3 लाख तक एग्जेम कर दिया है, लेकिन यहां दिया गया कि इनकम लिमिट रिबेट ऑन इनकम टैक्स इंक्रीज फ्रॉम 5 लाख टू 7 लाख इन अ न्यू रिजीम। अब इसका मतलब क्या है, यहां 7 लाख की बात हो रही है या 3 लाख की बात हो रही है, देख के चलते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं आसान तरीके से। एक पर्सन है, अब इस पर्सन की इनकम अगर 6 लाख है, 6 to 7 लाख के बीच में है, तो इसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी न्यू रिजीम। पहले अगर पहले क्या था कि अगर इसकी इनकम 5 लाख से कम होती तो टैक्स नहीं लगता, अब क्या है, 7 लाख, 7 लाख तक अंडर इनकम है इसकी, कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इसका दोस्त है, वन मोर फ्रेंड, इसका बेस्ट फ्रेंड, उसकी इनकम है 8 लाख, ठीक है, 8 लाख इनकम है, तो अब इसकी इनकम 8 लाख है, 7 लाख से ऊपर आ गई, इनकम टैक्स लगेगा। लेकिन कैसे लगेगा कि भाई 3 लाख तक तो कोई इनकम नहीं लगने वाला है, मतलब 0 से 3 लाख तक तो कोई इनकम नहीं, कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा, निल है। अब बचा कितना, 5 लाख, 5 लाख, ठीक है। तो हम ये देखेंगे अब भी 3 to 6 लाख जो बचा, मतलब अगर हम 3 to 6 लाख पे इसके पर जाएंगे तो
जो लैक है उस पर 3% का टैक्स परसेंटेज 5% लगेगा इनकम टैक्स, और रिमेनिंग जो बचा 6 to 9 मतलब 6 to 8 में जो रहा 2 लाख उस पर 10% लगेगा टैक्स, ठीक है। तो अगर इसकी 8 लाख इनकम है तो 3 लाख तक पे तो 0 लगने वाला है, 3 से 6 लाख जो है उस पर 5% लगेगा एंड 6 to 8 लाख पे 10% लगेगा। इट मीन्स कि अगर आपकी इनकम 7 लाख से रेडी 7 लाख एनुअल इनकम अगर 7 लाख से कम है तो कोई इनकम टैक्स नहीं देना, लेकिन अगर 7 लाख से इंक्रीज हुई तो फिर ये लग जाएगा 3 लाख से 6 लाख में 5%, 6 से 9 लाख में 10%, अगर फिर और बढ़ती गई तो अप टू वही बताया गया 15 लाख के ऊपर हुआ तो 30%। गॉट इट, ये चीज है। नेक्स्ट वन देखते हैं और क्या है। देखो अब ये चीज अपन ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ऊपर ही अपन डिस्कस किया कोऑपरेटिव्स को लेकर, डिस्कस किया स्टार्टअप्स को लेकर भी डिस्कस कर चुके हैं अपन। देन रैशनलाइजेशन है, यस। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बजट में गवर्नमेंट ये बताती है कि हम ये पैसा खर्च करेंगे इन दी अपकमिंग फिस्कल ईयर में, हम लोग इतना इतना पैसा खर्च करने वाले, लेकिन पैसा आता कहाँ से है वो तो समझना जरूरी है। तो वो यहाँ बताया गया कि सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है, तो 34% ऑफ दी जो पैसा आ रहा है वो बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज से आ रहा है, मतलब गवर्नमेंट लेती है कहीं ना कहीं से पैसा। 15% आपका जो रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट के पास वो इनकम टैक्स से आता है, 7% जो है वो एक्साइज ड्यूटीज, कोऑपरेटिव टैक्स 15%, आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 17% जीएसटी में, कस्टम में 4%, है ना। अगर हम मान के चलते हैं गवर्नमेंट को 100 रुपए आ रहे हैं, इसमें 34 रुपीज तो गवर्नमेंट बोरो कर रही है, गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी आती जा रही है, बैंक से लोन ले रही है, फिर 15 रुपए इनकम टैक्स से आ रहे हैं, 7 रुपीज यूनियन एक्साइज ड्यूटी से आ रहे हैं, 15 रुपए कोऑपरेटिव टैक्स से आ रहे हैं, 17 रुपीज आपका जीएसटी से आ रहा है, एंड 2 रुपीज जो है वो नॉन डेट कैपिटल रिसीट से आ रहे है ना। अपन समझेंगे, परेशान मत हो, कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट दोनों समझने वाले हैं, एंड 6 रुपीज जो है वो नॉन टैक्स रिसीट से आ रहे, ठीक है। अब ये तो समझ गए कि पैसा आ कहां से रहा है, ये याद रखना। नेक्स्ट वन, अब रुपये कहां कहां खर्चा होता है ना, रेवेन्यू आ गया, अब खर्चा कहां कहां कर रहे हैं ये लोग। सो 20% इंटरेस्ट पेमेंट पर, क्योंकि आप बोरो कर रहे हो तो बोरो में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो 20 रुपीज तो भैया इंटरेस्ट में चला जाता है। फिर 4 रुपीज जो है पेंशन हम लोग देते हैं, 8 रुपीज जो है हमारे अदर एक्सपेंडिचर हो जाते हैं, कुछ और खर्चे हो जाते हैं गवर्नमेंट के। फिर 18 रुपीज जो है हम लोग जो जीएसटी कलेक्ट होता है तो स्टेट गवर्नमेंट का भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है जीएसटी में, तो 18 रुपीज तो उसमें ही चला जाता है, स्टेट को चला जाता है। 9 रुपीज जो है वो फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स होते हैं आपका। 17 रुपीज जो है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जो होती हैं उसमें कॉन्ट्रीब्यूट होता है। 8 रुपीज डिफेंस में जाता है, 7 रुपीज सब्सिडीज में जाता है, एंड 9 रुपीज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में जाता है। ये चीज बताएगा, तो ये बता रहा है, ये दो हमने जो पढ़ा ग्राफ, एक था कि रुपी कहां से आ रहा है, रुपी कम्स इन एंड रुपीज गोज आउट, दैट इज वॉट रेवेन्यू जो हमने पहले पढ़ा था, ये क्या है एक्सपेंडिचर है, कि कहां एक्सपेंडिचर होता है। गॉट इट, चलिए। नाउ अब किस किस मिनिस्ट्री को कितना कितना पैसा मिला, अगर 100 रुपए का बजट है तो 100 रुपए में कितना पैसा दिया गया, तो 5.94 लाख करोड़ डिफेंस मिनिस्ट्री को मिला है, 2.7 लाख करोड़ आपके मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को मिला है, 2.41 लाख करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को मिला है, 2.06 लाख करोड़ आपके मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड आपके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को मिला है, एंड द लास्ट वन, सॉरी नॉट द लास्ट वन, सेकंड लास्ट वन, दैट इज नॉट द सेकंड लास्ट वन, चलिए पढ़ते हैं। सो 1.96 जो है वो होम अफेयर्स को मिला है, देन 1.78 इट्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, 1.60 रूरल एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, 1.25 एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। तो मेन अपन को जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि टॉप थ्री कौन कौन से है। सो डिफेंस है आपकी, रोड एंड हाईवे मिनिस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है जो याद रखने वाला है। और सबसे लीस्ट किसको मिला, 1.23, लीस्ट का मतलब ये नहीं है, इस लिस्ट में सबसे कम मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को दिया गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मेजर मेजर स्कीम्स में कुछ पैसा अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है, यस देखते हैं क्या। ओके, तो सबसे पहले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को लेकर क्या किया गया, तो 2022-2023 बजट में जहां हम लोग 100 लाख करोड़ रुपीज खर्चा कर रहे थे, तो हमने इसमें कितना कर रहे हैं,
1250 करोड़ रुपीज कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च हो रहा है। तो इंक्रीमेंट हुआ है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के प्रमोशन को लेकर हमने काम कर रहे हैं, ठीक है, पहली पढ़ा था। दूसरा, जल जीवन मिशन की अगर हम बात करें, जल जीवन मिशन की हम बात करें तो जल जीवन मिशन में 2022-2023 के बजट एस्टिमेट में 60,000 करोड़ रुपए खर्चा किया था, और इस बार के बजट में हम लोग कितना खर्चा करने वाले हैं, 10,000 करोड़ और, मतलब 70,000 करोड़ रुपीज खर्चा करेंगे। फिर अगर हम देखें तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो है उसमें हमने लास्ट बजट में 2,000 करोड़ रुपीज खर्चा किया था, इस बार हम लोग कितना खर्चा कर रहे हैं, 5,943 करोड़ रुपीज। वहीं अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना में, हमने लास्ट बजट 2022-2023 में हमने 48,000 करोड़ रुपीज खर्चा किया था, और हम लोग खर्चा कितना कर रहे हैं, 79,519 करोड़ रुपीज। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। यस, एक और, यस, फेम में, ठीक है, फेम को लेकर, मतलब फास्टर ऑप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एवीज में, जहां हमने लास्ट बजट में 2,908 करोड़ रुपीज खर्चा किया था, इस बार हम लोग अराउंड 5,172 करोड़ रुपीज खर्चा कर रहे हैं। वहीं नॉर्थ ईस्टर्न स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम में लास्ट बजट में हमने जहां 1,419 करोड़ रुपीज खर्चा किया, अभी हम लोग एक तरीके से देखा जाए अराउंड 1100 करोड़ रुपए इंक्रीज कर दिया, दैट इज अराउंड 2,491 करोड़ रुपीज हम लोग खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है। नाउ अब जो है हमें दो टर्म समझने हैं, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो देखो रिसीप्ट का मतलब ये होता है पैसा आना, और यहाँ अपन गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव समझेंगे। ठीक है, तो रिसीट्स का मतलब पैसा आना, रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, लेकिन जो पैसा मिल रहा है उसमें गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आ रही। जैसे कि गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स को बढ़ा दिया तो रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ गया, क्योंकि गवर्नमेंट का क्या हुआ, रेवेन्यू बढ़ गया है ना, गवर्नमेंट को पैसा ज्यादा मिल गया। मान के चलो इनकम टैक्स उन्होंने अभी बढ़ा दिया, ठीक है, 5% था 8% कर दिया, अब इससे होगा क्या, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ गया, गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसीट्स भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी लायबिलिटी तो नहीं आई, दैट इज रेवेन्यू रिसीट्स। दूसरा आता है कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स में भी गवर्नमेंट को पैसा तो मिलता है लेकिन गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे गवर्नमेंट ज्यादा बोरो कर ले, अब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, तो पहले 100 रुपए लेती थी, अब 200 रुपए लेने लगी, पैसा तो आया लेकिन लायबिलिटी बढ़ गई। दूसरा, गवर्नमेंट के जो एसेट्स थे डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कोई था, पीएसयू था, उसको डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, तो गवर्नमेंट को पैसा तो मिला लेकिन गवर्नमेंट का शेयर तो चला गया, लायबिलिटी। तो समझना कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होते हैं कि गवर्नमेंट को पैसा तो मिलता है लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं, और लायबिलिटीज कैसे बढ़ती है, या तो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है या तो गवर्नमेंट बोरोइंग करती है। रेवेन्यू रिसीट्स की बात करें तो रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब गवर्नमेंट को पैसा तो मिलता है लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आती। जैसे कि आप कोऑपरेटिव टैक्स बढ़ा दो, आप इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दो, आप इनकम टैक्स बढ़ा दो, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लोगों को फर्क पड़ रहा है लेकिन गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो आ रहा है। ठीक है, तो ये डेटा दिया गया अबाउट रेवेन्यू रिसीट्स को लेकर, रेवेन्यू रिसीट्स हमारे इंक्रीज हुआ है, सेम कैपिटल रिसीट्स भी इंक्रीज हुआ है, ऐसा नहीं है। फिर हमने खर्चा कहाँ किया, ये बता रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना खर्चा हुआ है। ठीक है, ये बता रहा है क्या, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफेक्टिवली हमने कितना कैपिटल जो है एक्सपेंडिचर किया है। गॉट इट? चलिए, सो दिस इज दी एनालिसिस ऑफ दी बजट, ओके, जो अभी प्रेजेंट किया हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन ने। सो हम लोग फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग टॉपिक, विद सम एक्साइटिंग न्यूज। तब तक लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे, हैव अ गाइस।